हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। फ्रेंड्स, आज की हमारी ये क्लास एक कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्लास है और इस क्लास में हम नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में पढ़ेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इस मिशन को चलाता है। यूपीएससी की जीएस पेपर 2 में ये एक सब्जेक्ट के तौर पे है कि सोशल सेक्टर एंड सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ, ये एक टॉपिक है जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में अगर हम अच्छी तरह से जानते हैं तो इसके कुछ आंसर्स को हम जरूर अटेंड कर पाएंगे। मैंने इस आज के क्लास को बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स से भरा है ताकि आपको अपने मेंस में आंसर लिखने के लिए जो जो फॉर्डर मटेरियल चाहिए आप यहां से वो उठा सकते हैं। तो काइंडली इस क्लास का भरपूर उपयोग करें। ये नेशनल हेल्थ मिशन का लोगो है। इसकी शुरुआत नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के तौर पर की गई थी 2005 अप्रैल में। 2013 में इसको नया नाम दिया गया जो कि आज का नाम है इसका, नेशनल हेल्थ मिशन। और सन 2013 में ही नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन भी बनाया गया। और इस तरह से नेशनल हेल्थ मिशन के एक ब्रॉड सब्जेक्ट के नीचे दो छोटे छोटे मिशन बनाए गए। एक का नाम जो पहले से था नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, 2005 से शुरुआत थी जिसकी, और दूसरा सब्जेक्ट या मिशन था नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, ये 2013 में ही शुरू किया गया था। नेशनल हेल्थ मिशन के जो टारगेट्स थे बहुत ही ब्रॉड थे। यहाँ पर लोगों की ज़रूरतों को इस तरह से देखा गया और इस तरह से पूरा करने की कोशिश की गई ताकि जो भी रिजल्ट निकलते हैं, जो भी परिणाम आते हैं, वो सार्वभौमिक हों, यूनिवर्सल हों, इक्विटेबल हों यानी न्याय संगत हों, अफोर्डेबल हों यानी किफ़ायती हों, उनकी क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए थी, उनको जवाबदेह होना था लोगों की ज़रूरत के प्रति और उनको रिस्पॉन्सिव होना था लोगों की ज़रूरत के लिए। तो एक नेशनल हेल्थ मिशन का जो टारगेट था ये बहुत ही ब्रॉड था। इसके लिए अलग अलग सेक्टर के कन्वर्जेंस की भी बहुत आवश्यकता थी। इसके ऑब्जेक्टिव्स देखते ही आपको पता चल जाएगा कि इसके मेन होने का कारण क्या था। आपको देखेंगे कि इसका एक ऑब्जेक्टिव है चाइल्ड एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी को कम करना, यानी हमारे देश में एक्चुअली में चाइल्ड एंड मेटर्नल मोर्टेलिटी बहुत हाई है, तो ज़रूर इसको कम करने के लिए प्रतिबद्ध है हमारी सरकार ताकि हमारे देश में विकास उसी स्तर पर हो पाए। इसको कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल जो डिजीज़ हैं, जो लोकली एंडेमिक हैं या स्थानीय तौर पर जो हैं, उनको कम करना है या उनको नियंत्रण करना है। प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज जो हैं ताकि वो लोगों के पास आसानी से पहुंचाई जा सके, उनको ऐसा एक्सेसिबल बनाना है। जनसंख्या को स्थिर करना है, जेंडर और डेमोग्राफी को भी बैलेंस करना है। रिवाइटलाइज यानी पुनर्जीवंत कर देना है जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन है, जैसे कि आयुर्वेदा, यूनानी, नेचुरोपैथी और योगा, सिद्धा, होम्योपैथी, इन सब चीज़ों को जो लोकल हेल्थ ट्रेडिशन है इनको बहुत ज़्यादा रिवाइटलाइज करना है, उनको प्रमोट करना है। ये वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत आते हैं। अंडर नेशनल हेल्थ मिशन के जरिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को 5 कंपोनेंट में हेल्प करती है। एक है कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन करना है, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आता है, ह्यूमन रिसोर्स प्रोवाइड करना आता है, ड्रग और इक्विपमेंट की सप्लाई करनी आती है, जो ऑक्सिलरी हेल्थ वाइफ्स होती हैं या फिर आशा जो नर्सेज होती हैं उनको भी प्रोवाइड करना इनका काम है सेंट्रल गवर्नमेंट का। रिप्रोडक्टिव मेटर्नल न्यूबॉर्न चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ सर्विसेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक शॉर्ट फॉर्म है जिसको आप ज़रूर याद रखें। मैंने रेड कलर से इसको हाईलाइट इसीलिए कर रखा है, कभी काम आएगा तो ज़रूर लिखिएगा। कम्युनिकेबल डिजीज़ को कंट्रोल करना है, साथ ही साथ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ को भी कंट्रोल करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस करना है, इस इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस के लिए जो सैलरी दी जाती है वो भी सपोर्टेड बाई रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट के, जो कि ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स या फिर जो हेल्थ विजिटर्स होते हैं, लेडी हेल्थ विजिटर्स, उनको लेके। तो इन सब चीज़ों को एक सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या यूनियन टेरिटरी को इन सब चीज़ों के जरिए सपोर्ट करती है। आइए देखते हैं इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होती है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं इसको एक्सेसिबल बनाना पड़ता है, इसकी यूटिलाइजेशन ऑफ क्वालिटी को इम्प्रूव करना पड़ता है। एक सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट जो है इनको एक लेवल पे लाके इनमें एक पार्टनरशिप फोर्ज करनी पड़ती है ताकि लोकल लेवल या लोकल जो जगह हैं उनकी ज़रूरतों के हिसाब से, उनके उनके क्वेश्चंस के हिसाब से उनके लिए सॉल्यूशन फ्रेम किया जा सके। एक प्लेटफॉर्म क्रिएट करना है जहां पर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस और कम्युनिटी दोनों को हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के मैनेजमेंट में शामिल किया जा सके और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस में भी उनकी उनका जो उत्तरदायित्व है उसको बढ़ाया जा सके। देखते हैं नेशनल हेल्थ मिशन के आने से मेजर इम्पैक्ट कहाँ कहाँ हुए। अंडर 5 मोर्टैलिटी रेट U5MR, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का नंबर 4 का गोल था और इंडिया लगता है कि जो उसकी रेट ऑफ डिक्लाइनिंग थी उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो इंडिया ने इस गोल को अचीव कर लिया है। अभी तक कुछ डेटा को देख लेते हैं। ये जो रेट थी ये 59 थी 2010 में, जो कि कम होकर 43 हो गई है 2015 में। परसेंटेज डिक्लाइन 6.1 पहुंच गई है, पहले ये 3.7 थी 1990 से 2010 के बीच में।
जो 2014-15 का लेटेस्ट डेटा है उस वक्त ये डिक्लिनेशन की रेट 4.4% थी और इंडिया ने गोल 4 को जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल का था उसको ऑलमोस्ट शायद अचीव कर लिया है, अभी भी एक्चुअल डेटा आना बाकी है। सिमिलरली मटर्नल मोर्टेलिटी रेट MMR नंबर ऑफ मटर्नल डेथ पर 1 लाख लाइफ बर्थ, यानी जितनी 1 लाख जो बच्चे पैदा होते हैं, जिंदा बच्चे जो पैदा होते हैं उनमें जितनी माताओं की मृत्यु होती है उसको MMR कहते हैं। ये 2010-12 में 178 था जो कि कम होकर 167 हो गया है 2011-13 में। अभी भी रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की तरफ से एक्चुअल डेटा आना बाकी है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल नंबर 5 था MMR से रिलेटेड वो भी इंडिया ने हासिल कर लिया है जो रेट ऑफ डिक्लाइन है उसके आधार पर। अब आते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर, IMR, जो नंबर ऑफ डेथ 1000 जो लाइफ बच्चे होते हैं, जो जिंदा बच्चे होते हैं उनमें जितने छोटे बच्चे 1 साल से कम उम्र के जो मारे जाते हैं उनको IMR या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहा जाता है। ये दर जो है 2014 में 39 थी, आज के समय में 37 है। 2005 का 15 का ये आंकड़ा भी हमारे पास है। टोटल फर्टिलिटी रेट, ये रेट दिखाता है कि एक औरत अपने जीवन काल में जब तक वो बच्चे जन सकती है उस वक्त कितनी टोटल नंबर ऑफ बच्चे जन पाती है, अगर वो एक्चुअल जो रेट है फर्टिलिटी का उसको मेंटेन करते हुए चले। तो कहा जाता है कि अगर आप एक पति और पत्नी 2.1% अगर TFR का मेंटेन करते हैं तो उसको रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी रेट कहते हैं, ताकि दो लोग थे इनका जब देहांत होता है तो दो बच्चे पैदा हुए तो जो एक्चुअल पॉपुलेशन पहले की थी वही मेंटेन रह गई। तो 2.1 अगर TFR है तो ये टारगेट एक्चुअली में रिप्लेसमेंट लेवल है, मतलब जो पॉपुलेशन आपकी रही पहले थी वही पॉपुलेशन मेंटेन रह गई। तो TFR जो है उसको कम करना है, उसको डिक्लाइन होना ही एक तर्कसंगत या सही है। तो रेट पहले 2.5% था 2010 में, वो घटकर 2.3 हो गया है 2015 में, और प्रेजेंटली जो लेटेस्ट NFSH का डेटा है उसके समय उसको अगर देखा जाए तो ये 2.2% है। और इसमें भी कहा जा रहा है कि इंडिया ने या फिर का जो 5 ईयर प्लान का टारगेट था 2017 तक का 2.1 वो भी हम अचीव कर लेंगे। मलेरिया API यानी एनुअल पैरासाइट इंसिडेंस जो मलेरिया का है वो डिक्लाइन हुआ है 1.1 2011 में जो था उससे 0.84 पे 2016 में। 12th प्लान टारगेट जो था हमारा मलेरिया का जो इंसिडेंस का वो 1 से कम करने का था, और ऑब्वियसली आप देख सकते हैं हमारा 0.84 है, यानी हम उस टारगेट को अचीव कर चुके हैं पर 1000 पॉपुलेशन में। सिमिलरली देखा जा सकता है जिन जिन ब्लॉकों में एक केस प्रति 10,000 पॉपुलेशन से ऊपर के जो केसेस पाए गए हैं, पहले वो 230 थे 2010 में और आज के समय में वो घटकर 94 रह गए हैं। आइए बढ़ते हैं। मोर्टेलिटी ड्यू टू TB पर 1 लाख पॉपुलेशन, ये भी रिड्यूस हुआ है 40 से 36 पे। 1990 में जो TB के कारण से मृत्यु दर 465 थी जो घटकर आज के समय में 195 रह गई है। सिमिलरली जो इंसिडेंस था TB का वो भी घटकर 217 पे आ गया है 2015 में। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग का जो प्रेवलेंस था वो भी घटा है पहले की तुलना में, वो आज का दर उसका 0.66 है, पहले ये 0.68 था। 556 डिस्ट्रिक्ट हैं, उन्होंने 12th प्लान का जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया है। फेलारेसिस यानी एलिफेंट फूड जिसको कह सकते हैं, उसका भी इंसिडेंस जो 94 डिस्ट्रिक्ट्स में उन्होंने लेस देन 1 माइक्रोफेलारी का रेट अचीव कर लिया है MF। फेलारेसिस का ये बीमारी है, आप देख सकते हैं एलिफेंट फूड कहा जाता है इसलिए। अब देखते हैं क्या क्या प्रोग्रेस हो पाई है, और प्रोग्रेस में आप देख सकेंगे कि नई तरह की मेडिसिन रोल आउट की गई हैं। मीजल्स बीमारी के लिए रूबेला वैक्सीन को लाया गया है। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, हमारा देश पोलियो फ्री हो चुका है लेकिन इस स्टेटस को मेंटेन करने के लिए इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन जो ये श्रृंखला चलाई गई है। एडल्ट जापानीज एंसेफेलाइटिस वैक्सीन, इसके लिए भी वैक्सीन लाया गया है। आप जानते हैं कि बिहार, ईस्टर्न UP और वेस्ट बंगाल के कुछ हिस्सों में आज भी एंसेफेलाइटिस काफी जबरदस्त तौर पे एक्टिव है। रोटा वायरस वैक्सीन भी आ चुकी है। मिशन इंद्रधनुष जो 2014 में लाया गया था, इसका टारगेट था कि जल्द से जल्द 90% बच्चों को इसके इम्यूनाइजेशन के कवरेज में लाया जा सके और इसको सस्टेन किया जाए इस प्रोसेस को 2020 तक। 3 फेज हो चुके हैं मिशन इंद्रधनुष के, अभी 4th फेज ऑनगोइंग है। मिशन इंद्रधनुष के अंतर्गत लगभग 7 बीमारियों जो प्रिवेंटेबल डिजीज हुआ करते थे उनके लिए वैक्सीनेशन की प्रोसेस लाई गई थी। साथ ही साथ किलकारी एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एकेडमी, किलकारी के अंतर्गत जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको 72 अलग अलग वॉइस मैसेजेस भेजे जाते हैं जन्म और बच्चों को कैसे ध्यान रखा जाए, सावधानी क्या क्या बरती जाए प्रेगनेंसी के वक्त आदि इत्यादि जानकारियों की। साथ ही साथ कायाकल्प नाम का एक प्रोग्राम भी लॉन्च किया गया है जिसके तहत अवार्ड दिया जाता है
पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज़ को, जिन्होंने इस दिशा में बहुत अच्छा काम किया है। मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको उनके हेल्थ के लिए, उनके बच्चों की हेल्थ को कैसे ट्रैक किया जा सके, उनके गर्भवती के जो समय होता है, जो जरूरतें हैं अलग अलग, उनको पूरा करने के लिए एक ट्रैकिंग सिस्टम रहता है। रिवाइज टीबी कंट्रोल प्रोग्राम को भी लाया गया है। दीज आर द डेवलपमेंट सो फार, आज तक की ये डेवलपमेंट्स हैं जो कि हमारे कैबिनेट को अप्राइज किए गए थे, जो एम्पावर कमिटी इसके लिए बनाई गई थी उसके द्वारा। आगे आने वाली कोई भी जानकारी को हम आपके सामने इसी तरह से पेश कर देंगे, और आशा करते हैं आपके जो आज तक की नॉलेज है उसको इस स्लाइड ने सप्लीमेंट किया है। किसी भी तरह के डाउट और फीडबैक के लिए आप कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल करें, और पसंद आने पे इसको जरूर लाइक करें, ये मेरे लिए एक एनकरेजमेंट होगा, और इसको शेयर भी करें। धन्यवाद, टेक केयर।